वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, अभी है मॉर्निंग का टाइम, तो गुड मॉर्निंग। और है मेरा काम हो चुका है, मेरे बच्चे भी गए थे ट्यूशन और अभी भी आए हैं। तो आज है संडे, तो संडे है तो छुट्टी है बच्चों की, स्कूल की भी, और ट्यूशन सुबह सुबह था, चले गए और आ भी गए। तो बस नाश्ता वास्ता तो हो गया इनका, बाहर से लेके आ गए थे तो वही कर लिए हैं। अब बनाऊंगी खाना, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से थोड़े से बातें हो जाएं, फिर बनाते हैं खाना, काम करते हैं। अलग रेसिपी बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। मैंने कहा चलो कुछ अलग ट्राई कर रही हूँ तो बनाती, मतलब ट्राई नहीं, थोड़ी अलग सब्जी बना रही हूँ तो आप सबके साथ भी शेयर करूँगी। सो गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं सब्जी बनाना। तो मैं हरे चने की सब्जी बना रही हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। पहले पैन को गर्म करने के लिए रखा, उसमें ऑयल डाला और जीरा और हरी मिर्ची। इसके बाद में चॉप की हुई प्याज, और इसको अच्छे से भून लेंगे लाल होने तक। ये देख सकते हैं थोड़ा अभी भुना हुआ है, इतना ज़्यादा भी नहीं भुना है। इसको अच्छे से लाल कर लेंगे, जितना जब तक उसका मॉइस्चर नहीं चला जाए तब तक भून लेंगे। इसके बाद में सूखा मसाला डाल देंगे, और सूखे मसाले में ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, बस हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और कस्तूरी मेथी। ये कस्तूरी मेथी डाल दिए हमने। और अब डाल देंगे थोड़ा सा कस्तूरी लाल मिर्च, डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि इससे अच्छा कलर आ जाता है, इसलिए कलर के लिए डालते हैं, तीखे के लिए तो हरी मिर्च डाली है मैंने। तो ये मसाला अच्छे तरीके से भुन गया। अब इसके बाद में डाल देंगे टमाटर, और टमाटर का पेस्ट डालेंगे तो इसको अच्छे से तरीके से इसको भी भून लेंगे, जब तक अच्छे से भून नहीं जाता है। तो ये देख सकते हैं अभी ये ऐसे हो चुका है, अभी आधा भुना है, पूरा अभी नहीं भुना अच्छे से। ये देख सकते हैं अभी ये अच्छे से भुन गया है, टमाटर भी अच्छे से हो गया है। अब डाल देंगे छोला मसाला। छोला मसाला इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसके बाद में डाल देंगे नमक, स्वाद अनुसार नमक डालें, जैसे आपको कम ज़्यादा खाना हो वैसे डालें। और थोड़ा सा आमचूर पाउडर ज़रूर डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका, आमचूर पाउडर का। अब हरे चने जो रखे हुए थे उसको डाल के, और कच्चे ही डाले हैं मैंने, इसको कोई पकाया वगैया नहीं है पहले से, कच्चा डाल के थोड़ा सा भून के और ढक ढक के 2-3 बार इसको चला कर और फिर ढक दें, तो इससे पक जाता है, अच्छे से भुन भी जाता है, इसमें नरम भी रहता है, ज़्यादा हार्ड तो रहता नहीं है, जैसे छोले भिगोना पड़ता तो ये कच्चा है तो अच्छा रहता है, नरम रहता है। इसके बाद में भुनने के बाद 2-3 बार ढक ढक के पकाना है। और इसके बाद में डाल देंगे पानी, जैसे आपको ग्रेवी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी चाहिए तो पानी कम डालें, और कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए तो पानी ज़्यादा डालें। तो मुझे, मेरे घर में ग्रेवी वाली ही सब्ज़ी पसंद है, तो इसलिए मैंने तो ग्रेवी डाली है, और आपको जैसे पसंद हो वैसे डाल सकते हैं। अब इसके बाद डाल देंगे फ्रेश मलाई, और ये घर की फ्रेश मलाई है, क्रीम बनाया है मैंने फ्रेश मलाई से, तो ये क्रीम डाल देंगे, और इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस सब्ज़ी में। एकदम सिंपल सी सब्ज़ी बनी है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है, पनीर को भी मात देता है, ऐसा लगता है पनीर की सब्ज़ी है, जैसे शाही पनीर का टेस्ट आता है वैसे टेस्ट आता है इसका। और इसमें थोड़ा सा पनीर भी ग्रेट करके डाल देंगे तो अच्छा टेस्ट आ जा, बहुत अच्छा टेस्ट आया था, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी, एक बार ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। मैं तो चने लाई थी, मैं सोच रही थी कि इसका क्या कुछ नया बनाया जाए जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाए और खाने में भी अच्छा लगे और मुझे बनाने में भी अच्छा लगे। मैं नई नई रेसिपी ट्राई करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना बनाना, मेरा फेवरेट है खाना बनाना, मुझे लगता है कि मैं अच्छी अच्छी रेसिपी ट्राई किया करूँ तो आप सबके साथ भी शेयर करूं। ये देख सकते हैं सब्जी बनकर तैयार है, सिर्फ दिखने में चना है, बाकी ऐसे लगता है पनीर की सब्जी है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे कहने से बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी है। सो कैसी लगी आप सबको सब्जी की रेसिपी ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे सब्जी बन चुकी है, अब हम
चावल को रख दिए हैं कुकर में, चावल बनाएंगे और इसके बाद में रोटी बनाएंगे। तो बस चावल बने तब तक मैं किचन साफ़ कर लूँगी, और इसके बाद में बर्तन भी पड़े हुए हैं उनको भी धोना है। तो चलो मैं साफ़ कर लेती हूँ। रखा हुआ है और दूध इस साइड पक गया है, तो बस अब धुलूंगी बर्तन। किचन साफ हो गया है, अब मैं धुलूंगी बर्तन और इसके बाद में चावल, इतने में चावल पक जाएगा मेरे बर्तन धुलते धुलते। मैंने सोचा चलो बर्तन भी धुल, किचन साफ करके बर्तन भी धुल लेते हैं और इसके बाद में फिर खाना देंगे। खाना तब तक पक जाएगा चावल। चलो ठीक है, मैं खाना बनाओ। तो बर्तन एक बार हो ही जाते हैं धुलने के लिए, तो अब बर्तन सुबह तक के रखे हुए थे, जैसे ये प्रोटीन वोटीन पिए, बच्चे दूध वूध पिए, बस यही थे। और सब्जी भी बना ली थी मैंने, तो पैन भी खाली हो गया था। और ये आ रहे थे बार बार, तो देख रहे थे कि वीडियो भी चालू है यहीं पे और बर्तन भी धुल रही है, ये वीडियो बन रहा है। जैसे बोलते हैं कि बर्तन धोते धोते वीडियो बना रही है, मैंने कहा चलो सब मैं बनाती हूँ, मैं जो जो काम करती हूँ तो सभी काम मैं दिखाती हूँ। किचन वाला तो सारा काम तो मेरा, मैं किचन में ही ज़्यादातर वीडियो बनाती हूँ, आप लोग देखते ही होंगे। अब खुद आए तो अपने ऐसा लग रहा है कि शीशा लगा हुआ है और अपने बॉडी देखने लगे कि देख सकते हैं, और उनको चाहे कैमरा चालू रहे या शीशा दिख जाए तो अपनी बॉडी ही देखते रहते हैं। तो बस अब बर्तन धुल जाएंगे और इसके बाद में फिर खाना बन ही गया था तो दे देंगे खाना। और आप सबको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और रेसिपी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बन ही गया है, सेठी आने वाली है, तो चलो मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद, क्योंकि चावल बन जाएगा तो मैं दूंगी खाना और फिर खाना पीना होगा। और कपड़े भी अभी नहीं डाले मशीन में, तो चलो मैं कपड़े भी जा रही हूँ और फिर उसके बाद में खाना लूँगी। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। एवरीवन, अभी है शाम का टाइम, तो अभी मैं अचार बना रही हूँ नींबू का, जैसे कि मैंने बताया था कि रखा हुआ है बनाने के लिए। तो मैंने 3 दिन पहले इसको काट कर और नमक और हल्दी मिला कर रख दिया था, और ये देख सकते हैं बना रही हूँ मैं ये। और मैं खट्टा मीठा अचार बना रही हूँ, तो आप सबको मैं चीज़ें नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है ऐसे में वीडियो बनाने में और सब चीज़ बनाने लगाने बताने में। तो मैं आप सबको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या डाला है। अजवाइन, करायल और धनिया पाउडर, और क्या डाले हैं, सौंफ, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हींग और थोड़ा सा गरम मसाला, चाट मसाला और नमक, काला नमक, सिंपल नमक, और ये सारे सामग्री यहाँ पे रखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको मुँह से बता दे रही हूँ। इतना सब कुछ मैंने डाला है, और इसके बाद में हींग भी डाला है, और तेल बस नहीं डाला है, और शक्कर भी डाला है मैंने, लेकिन जितना नींबू हो वो अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि कितना डाला है। मैंने अंदाज से डाला है, कोई नाप ओप करके नहीं डाला है। तो बस इसको सब मसाला मिलाकर और शक्कर मिलाकर पकने के लिए रख देंगे, और इसको अच्छे से गलने तक पकाएंगे, अच्छे से उबाल जाने देंगे, और जब तक गल नहीं जाए तब तक पकाएंगे। और देख सकते हैं कि ये दो उसमें मैंने वो बनाया है उबाल के, और ये वाला मैंने ऐसे ही बनाया है, इसको धूप में रखेंगे। तो मैंने 2 तरह की नींबू के खट्टे मीठे अचार बनाए हैं, तो आपको जिस जैसे भी मतलब अच्छा लगे, कि जैसे मैं मुझे सरल लगे मैं उस टाइप से बना सकती हूँ। तो ये है, इसमें सारा मसाला वही डाली हूँ जो उसमें डाली हूँ उबलने वाले में, और इसको सिर्फ मिक्स करके और डिब्बे में भर के रख दूंगी छत में, 8 दिन तक रखे रहने दूंगी, फिर उसके बाद में ये गल जाएगा तो ले आऊंगी बस। तो इसमें सारा मसाला मैंने निकाल के रख लिया है, बस इसमें अभी गरम मसाला नहीं पड़ा है और बाकी सब कुछ पड़ गया है, तो अभी मैं इसको मिक्स कर दूंगी, बस मिक्स करके डिब्बे में भर के रख दूंगी। तो आप ये भी कर सकते हैं, और वो वाला अगर करना हो तो वो भी कर सकते हैं। तो इसमें अभी शक्कर नहीं डाली है, और बस शक्कर डालूंगी, और बस ये देखो ये ऐसे भी बना सकते हो, और ऐसे में भी टेस्ट अच्छा आता है और वैसे में भी टेस्ट अच्छा आता है। तो मुझे दोनों बनाना था, मैं दोनों का टेस्ट करना चाहती थी कि दोनों तरीके बनाए, देखिए कौन सा अच्छा है। तो मैंने दोनों ट्राई किया, आपको भी दोनों बनाना तो दोनों बना सकते हैं, एक बनाना तो एक भी बना सकते हैं। तो चलो मैं बना लेती हूँ और फिर आप लोगों से
मिलते इसको डाल देती हूँ डिब्बे में। ये नींबू का अचार बनके तैयार है, देख सकते हैं कितना अच्छा टेस्टी दिख रहा है, दिखने में भी बहुत अच्छा दिखता है। एकदम गाढ़ा हो चुका है, इसका पूरा जो सिरा एकदम गाढ़ा हो गया था तब बंद किए थे, और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब कल डालेंगे डिब्बे में अच्छे से साफ करके सूखा डिब्बे में। सो गाइस, अभी है नाइट का टाइम और सब काम वाम हो चुका है, खाना भी बन गया, बच्चे भी खा लिए हैं, और अब है सोने का टाइम। तो मैंने कहा चलो वीडियो आप लोगों से थोड़ा सा बातें कर लेते हैं और गुड नाइट भी बोल देते हैं। ब्लॉग यहीं तक, और आप सबको कैसा लगा ब्लॉग जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन होगा उसको भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।